नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आपके साथ अपनी इस सीरीज़ में प्लॉट चेंज से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का विषय है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट आपने अपना नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट परचेज किया हुआ है और आप उसके अंदर अपना भवन बनाने जा रहे हैं या आपने अपना प्लॉट पहले से परचेज कर रखा और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है और आज आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर 300 प्लस वीडियो अपलोड हो चुकी है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं मैंने उन वीडियो के अंदर भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी अपने अनुभव की साझा की है आपका अपना प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर फ्लोर लेवल यानी फर्श का लेवल किस दिशा में ऊंचा रखना है और किस दिशा में नीचा रखना है और किस प्रकार से क्या क्या सावधानी आपने बरतनी है आपका प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने प्लॉट के अंदर साउथ कॉर्नर और वेस्ट कॉर्नर यानी फ्रंट का भाग भी आपने ओपन रखा हुआ और बैक साइड का भी भाग आपने ओपन रखा हुआ है तो ऐसे में जो साउथ का कॉर्नर है और वेस्ट का कॉर्नर है ये हमेशा ही फ्लोर लेवल में ऊंचे होने चाहिए जो आपका अंदर का फ्लोर लेवल है उसके बराबर होने चाहिए नॉर्थ का भाग नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा ही नीचा होना चाहिए क्योंकि आप फ्रंट के भाग में भी ओपन एरिया रख रहे हैं और बैक साइड में भी ओपन एरिया रख रहे हैं तो उसमें साउथ का एरिया भी ऊंचा होना चाहिए और वेस्ट का एरिया भी ऊंचा होना चाहिए और साउथ वेस्ट का भी एरिया ऊंचा होना चाहिए वो कितने परसेंट ऊंचा होना चाहिए कम से कम 30 परसेंट एरिया आपका ऊंचा होना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी खुशहाली किस चीज़ की आपके यहाँ ना तो कोर्ट केस होंगे ना आप झगड़े होंगे ना बेवजह के पारिवारिक कलह बनेगा ना ही व्यापारिक कलह बनेगा और ना ही व्यापारिक डिस्टर्बेंस रहेगी क्या काम करने से साउथ कॉर्नर ऊंचा करने से वेस्ट कॉर्नर ऊंचा करने से और बने बिल्डिंग का साउथ वेस्ट का एरिया ऊंचा करने से नॉर्थ का एरिया पूरा का पूरा आपने नीचा रखना है नॉर्थ का एरिया नीचा रखते समय इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि नॉर्थ का एरिया भी आपका रोड के लेवल से ऊंचा होना चाहिए आपका अपना घर बन चुका है या आपका अपना घर बन रहा है उसमें बेवजह का कोर्ट केस झगड़े डिस्टर्बेंस बनी हुई है और आपको उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका अपना घर बना हुआ है तो आप अपने घर के साउथ कॉर्नर को लगभग तीस परसेंट के हिस्से को आप फर्श के लेवल में ऊंचा करें ऐसा करने से मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ जितने भी कोर्ट केस है या व्यापारिक डिस्टर्बेंस है या परिवार में बेवजह का कलह बना रहता है तो उस हिस्से को ऊंचा करते ही मेरा अपना यह मानना है कि आपकी सारी समस्या एक एक करके दूर होती चली जाएगी बेवजह के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इसी तरह आपकी अपनी बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बनने में कुछ डिपार्टमेंटली दिक्कत है या पड़ोसी की वजह से दिक्कत है या फैमिली की तरफ से दिक्कत है और वो बिल्डिंग बीच में आधी अधूरी पड़ी है वो पूरी होने में नहीं आ रही है तो ऐसे में भी आप अपने उस प्लॉट के साउथ के हिस्से को ऊंचा करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके प्लॉट में जितनी भी में है जितने भी आपसी कलह बने हुए हैं झगड़े बने हुए हैं केस बने हुए हैं वो सारे कोर्ट एक एक करके आपके दूर होते चले जाएंगे जिसकी वजह से आपकी अपनी बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही है आप भी अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट के लिए हमें साइट विजिट पर इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके बिल्डिंग को दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप आर्किटेक्ट हैं या आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं या आप इंटीरियर डिजाइनर हैं या आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपको वास्तुशास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी अच्छा ज्ञान आपको दे सकती है आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 300 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है और मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ भी लेकर आया हूँ आप मेरी सभी वीडियो देख अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो चुके हैं मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही वास्तु शास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की वीडियो बनाता रहता हूँ आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार